नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो फिलहाल मैं पहाड़िया मंडी के जस्ट सामने हूं। अभी मैं यादव होटल से डिनर करके लौटा हूं और ये अपनी कार है और मैं पहाड़िया से लेके आपको सारनाथ तक का नज़ारा दिखाने वाला हूं। और इस समय रात के 9:44 हो रहा है। तो रात को कैसा नज़ारा होता है पहाड़िया मंडी का और कैसा रोड है, मैं उसको दिखाने वाला हूँ। तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो भाई मैं बैक कैमरे से आपको दिखा देता हूँ कि पहाड़िया मंडी का कैसा नज़ारा है, क्योंकि यहाँ पे जैसे देखा जाए तो लखनऊ बिरयानी है, द लखनऊ बिरयानी रेस्टोरेंट, नॉनवेज पॉइंट ऐसा करके है। जैसा आप इसमें देख रहे हैं, ये पहाड़िया मंडी का गेट है, प्रवेश द्वार। और उसके जस्ट सामने आप देखेंगे तो खाने के लिए अच्छा खाना मिलता है। जैसे यहाँ पे नॉनवेज अगर खाना है तो लखनऊ बिरयानी है और ऐसा नॉनवेज पॉइंट है। सबसे प्राचीन देखा जाए तो यादव ढाबा है, जहाँ पे मैं क्लास 6th 7th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। तो मैं अक्सर हम लोग का टूर जाता था, तो हम लोग कहीं दूर जाते थे टूर पे, तो जब वापस आते थे तो हम लोग यादव ढाबा में खाना खाते थे। तो ये यादें जो हैं बहुत पुरानी है और उस सिलसिले को आज भी हम निभा रहे हैं। तो हमें जब भी कभी कुछ खाने का दिल करता है तो हम यादव ढाबा ज़रूर आते हैं और यहाँ पे खाना खाते हैं। और वहाँ पे जैसा सामने देख रहे हैं आनंद होटल है, ये आपका रास्ता आपका पांडेपुर चला जाता है और ये रास्ता आपका आशापुर चला जाता है। ये और अपनी ये कार है, अभी हमारे मित्र हैं सर्वेश जी जो बिहार से बिलोंग करते हैं, ये अभी गाड़ी का विंड स्क्रीन साफ कर रहे हैं क्योंकि हमने बोला कि हम पहाड़िया से लेके सारनाथ का वीडियो बनाएंगे। तो हमने बोला कि विजिबिलिटी के लिए अच्छा रहेगा, थोड़ा सा आप क्लीन कर दीजिए मेरे लिए। तो उन्होंने मेरे को शीशे को क्लीन कर रहे हैं। वाराणसी यहाँ से 6 किलोमीटर है रिंग रोड। तो फिलहाल हम पहाड़िया मंडी से निकल चुके हैं सारनाथ की तरफ। आपका ये नॉनवेज पॉइंट है, देख रहे हैं आप कितनी भीड़ लगी हुई है। आपका यहाँ पे यादव होटल है, शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है यहाँ पे, और ये कोकोनट्स की शॉप और स्ट्रीट फूड की दुकानें लगी हुई है। और ये सामने व्यू है जैसा आप देख रहे हैं, और ये गेट नंबर 2 है, लाल बहादुर शास्त्री नवीन मंडी। और ये अपनी कार है जिसको हम इनोवा क्रिस्टा कहते हैं, और ये रात का समय है जैसा आप देख रहे हैं फिलहाल। फिलहाल हम पहाड़िया चौराहे पे पहुंच चुके हैं, ये आपका रास्ता चला जाता है सीधे अक्था की तरफ। अभी नो एंट्री खुली नहीं है तो अभी इस पे ट्रक का आवागमन कम है। एक्चुअली देखा जाए तो ये रिंग रोड बन जाने से ना बनारस के अंदर जो सिटी के खास अंदर है ट्रकों का आवागमन टोटली बंद हो चुका है, क्योंकि किसी को भी आना तो राजा तला से वो रिंग रोड पकड़ते हैं और जिसको गाजीपुर जाना है वो अपना रूट पकड़ के चला जाता है। तो ये प्लस पॉइंट है एक रिंग रोड बन जाने से। और फिलहाल तो हम हैं पहाड़िया में और इधर पे आप देख रहे हैं पटेल कटरा है, हमारे मित्र का ही ये कटरा है। और हम फिलहाल ये आपका होटल सुरभि इंटरनेशनल रेस्टोरेंट बार बैंक्वेट हॉल, और सीधे हम चल रहे हैं। ये नाइट का व्यू है और इसमें रात के 10 बजने वाले हैं। और ये पहाड़िया का पेट्रोल पंप है। डायरेक्ट हम स्विच कर सकते हैं बैक कैमरे पे, तो हम इस समय फिलहाल फ्रंट कैमरे पे। मैं कल इस कार को राइड कर रहा था एक्चुअली, तो हमने सोचा एक्चुअली मैंने आज सोचा कि उन्हें एक
एक नॉर्मल सा ब्लॉग शूट करते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि भाई जब है सेल फोन अपॉर्चुनिटी, अपना यूट्यूब चैनल है तो क्यों ना। तो फिलहाल हम आशापुर चौराहे पे पहुंच चुके हैं, जिसको हम अशोक चौराहा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें देख रहे हैं आप सम्राट अशोक का पिलर है। ये अभी सामने देख रहे हैं जो रास्ता है आपका गाजीपुर चला जाता है, लेकिन रेलवे ओवरब्रिज बन जाने के कारण इसको नीचे से बंद कर दिया जाएगा। अब हम लोग सारनाथ की तरफ जा रहे हैं, आपका रूट सीधे सारनाथ चला जाएगा, रिंग रोड चला जाएगा, मुनारी चला जाएगा, फिर चौबेपुर, गोरखपुर, गाजीपुर, ये रूट चला जाएगा। आप यहाँ से रिंग रोड पकड़ के आप बाबतपुर एयरपोर्ट भी चले जाएंगे। ये आपका होटल आ गया, द फर्म रेसिडेंसी साइड में है। ये है आपका फर्म रेसिडेंसी होटल। ये है आपका यूपी 65 रेस्टोरेंट, और ये देखा जाए तो दुकान बंद हो चुकी है सारनाथ की चंद्रिका साव की स्वीट हाउस, जहाँ पे समय से हम लोग समोसा एवं छोला खाया करते थे। फिलहाल हम हवेलिया चौराहा पे पहुँच चुके हैं। एक जमाने में यहाँ पे भी बहुत सारी चाय की दुकानें लगी रहती थी, स्ट्रीट शॉप लगी रहती थी। ये आपका दैत्यराबीर बाबा का मंदिर है। एक्चुअली आज देखा जाए तो काशी में बारिश भी हुई है, बहुत जगहों पे हुई है, अच्छा खासा बारिश हुआ है। तो फिलहाल हमको चलना है सारनाथ, हम फिलहाल घर जाएंगे। सीधे चलिए घर चलेंगे हम। तो हम सारनाथ म्यूजियम तिराहे पे आ चुके हैं, और ये रास्ता आप जो देख रहे हैं सीधे, ये आपका मुनारी चला जाता है, और अपना घर सारनाथ में ही है जैसा आप लोग जानते हैं। एक दिन हम फेमस हो जाएंगे तो अपना घर छिपाना पड़ेगा मुझे। क्या मिस हो गया? तो दोस्तों फिलहाल हम अपने घर पे पहुंच चुके हैं। ये आपका वर्मा मंदिर है, और ये देख रहे हैं आप, ये वर्मा मंदिर है। और फिलहाल हम पहरिया से चल के सारनाथ में आ चुके हैं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। तो फिलहाल हम घर पे पहुंच चुके हैं। ये आपका वर्मा मंदिर है, और अपनी कार है। कल हम निकलने वाले हैं विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करने, और विश्वनाथ कॉरिडोर के बारे में दिखाने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा वही होगा, और जैसा कि है अब फिलहाल ये निकल रहे हैं, ये जाएंगे होटल के पास अपनी गाड़ी लगा के, रात को स्टे करेंगे। तो मिलते हैं कल सुबह। नमस्कार।